सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया था, कुम्हारी हादसे में अनाथ हुई बच्ची अब हम सब की जिम्मेदारी, हमने इस बच्ची को गोद ले लिया है। गौरतलब हो कि कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से मोटरसाइकिल गिरने से दंपत्ति की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के बाद अनाथ हुई 11 वर्षीय अनु देवांगन ने सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए वीडियो वायरल किया है। अनु ने कहा, काका थैंक यू, मुख्यमंत्री सर मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बीते दिन हुए कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में अपने माता पिता को खो चुकी नन्ही बच्ची को राज्य सरकार गोद लेगी। जी हां, मंगलवार को स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, हादसे में अनाथ हुई बच्ची हम सबकी जिम्मेदारी है, हमने इस बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया है। बच्ची की समस्त जिम्मेदारी अब सरकार की रहेगी। दरअसल 9-10 दिसंबर की दरमियानी रात करीब कुम्हारी में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर से एक बाइक नीचे गिर गई थी। इस हादसे में रायपुर के चंगोरा भाटा निवासी आजूराम देवांगन और उनकी पत्नी निर्मला देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाइक पर सवार 13 साल की उनकी बेटी अन्नु देवांगन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक दंपत्ति की 3 बेटियां हैं, जिसमें अन्नु सबसे बड़ी है। वहीं 11 वर्षीय बेटी अनु देवांगन ने मुख्यमंत्री का आभार दिल से जताया है। थैंक यू मुख्यमंत्री सर कि आप मेरी जिम्मेदारी उठा रहे हो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बड़े होके अच्छे से पढ़ाई करके मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट।